أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो बेटा डियर स्टूडेंट्स ऑफ जोलॉजी फोर्थ ईयर, आज आपका बेटा टेस्ट था अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। तो कल बेटा इंशाल्लाह हम बात करेंगे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से, कल हमारा टेस्ट होगा। तो बेटे आज है जो दर्ज झेल 6 क्वेश्चन हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। सबसे पहला ही व्हाट इज़ डी अमाइनेशन क्या है, इसकी आप डिफाइन लिखेंगे, एक एग्ज़ाम्पल देंगे, ये 2 मार्क्स पर मुश्तमिल क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा ही गिव जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड का, जनरल फार्मूला आपने लिखना है, 2 मार्क्स हैं इसके। उसके बाद तीसरा स्टेट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की डिफाइन लिखेंगे, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद स्केच करना है डिफरेंट लिंक्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के क्रेब्स साइकिल के साथ जो हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं, और ये आपको पता है एक वाइटल प्रोसेस है जो बॉडी में वकूफ़ पज़ीर होता है, इसके स्केच के भी 2 मार्क्स हैं। उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन विद एग्जांपल्स, और इसमें कम अज़ कम आप 3 से 4 एग्जांपल लिखेंगे, और अगर इसकी कोई टाइप है तो वो भी तहरीर करें। इसके बाद है डिस्क्राइब नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन डिटेल में, इसके भी बारे में आपने लिखना है, और इसमें भी 3 से 4 कम अज़ कम एग्जाम्पल होंगी, तो ये बेटा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये था बेटे, इस टॉपिक में से मोस्टली शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कल इंशाल्लाह हमारा होगा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन के हवाले से है, कल वो स्टडी करेंगे। तो उसके मतलब टेस्ट होगा, अगर इट इस टेस्ट के मतलब कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट।